जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग को आप लोगों को बताने वाले हैं कि SSC GD 2018 का रिजल्ट आने वाला था 20 तारीख को, क्यों नहीं आया और क्या रीज़न रहा कि कब रिजल्ट इसका आएगा। और मैं सारी डिटेल्स आपको विद प्रूफ के साथ दूंगा, रिजल्ट क्यों आएगा, कब आएगा, ठीक है, सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि कट ऑफ में क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको 100% पुख्ता 100% ये राइट रहेगा। और आप इस वीडियोस को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगा। मैं पूरा कट ऑफ हाई जाने का या लो जाने का पूरा रीज़न बताया हूँ और आपका रिजल्ट कल क्यों नहीं आया इसका भी रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि रात को मैं भी नहीं सोया रिजल्ट के बारे में, मैं भी देखता रहा कब आएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। बाकी मैं जब यहाँ से पूरा डिटेल्स खंगालने के बाद कल मुझे जो रिजल्ट मतलब कन्फर्मेशन नज़र आया कि क्या रीज़न रहा कि रिजल्ट नहीं देने का, ये सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। और प्लस कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा कि कट ऑफ का जो कट ऑफ रहेगा वो हाई क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। सारे बच्चों को मेरिट लिस्ट में नाम मिलने का जगह मिलेगा, लेने का जगह मिलेगा, जॉब में होने का जगह मिलेगा, सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चे, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि प्लीज़ आप लोग धैर्य बना के रखिए। कल का रिजल्ट क्यों नहीं आया ये भी मैं बता देता हूं। क्या रीज़न रहा था कि कल आप लोग को पता होगा कि इसके एक दिन पहले जैसे 20 तारीख को दो रिजल्ट जारी होना था। 20 तारीख को रिजल्ट क्या क्या जारी होना था, एक SSC GD का रिजल्ट था और एक आपका ट्रांसलेटर का जॉब था, जो जूनियर ट्रांसलेटर वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों जॉबें एक साथ रिजल्ट देना था, लेकिन क्या किया गया, कल रिजल्ट देखिएगा 19 तारीख को रिजल्ट दिया गया था ट्रांसलेटर का, जूनियर ट्रांसलेटर का रिजल्ट दे दिया गया था 19 तारीख को। कल क्यों नहीं आया ये भी रीज़न बताऊंगा। कल आपको बता देता हूं कि 20 तारीख कल हॉलीडे था, जो गवर्नमेंट इशूज हॉलीडे थे। क्या था, गुरु गोविंद सिंह जयंती था, राइट। ये गुरु गोविंद सिंह जयंती के कारण हम बहुत दिन मतलब हम लोग तो वेट करते रहे कि रिजल्ट आएगा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जितने भी तरह का जो ऑथोरिटीज कंपनी होती है जो गवर्नमेंट एसोसिएट करते हैं ये सारे बंद थे, तो क्लोज थे, तो क्लोज के टाइम आना तो था नहीं। इसके बाद भी मैंने सोचे कि क्या इशू हुआ होगा, अगर ये चीज़ के लिए नहीं था इशू तो दूसरा इशू क्या था। तो दूसरा इशू ये चीज़ था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इम्प्रोवाइज करना चाह रहे थे कि चलो हम क्लाइंट करें कि कितने बजे तक जॉब रिजल्ट आएगी। बार बार वेट करके बार बार विजिट कर रहे थे, किसको, तो साइट को। और साइट बार बार विजिट करिएगा तो कहीं ना कहीं इंक्रेज कर रहा था। देखे थे दो तीन बार क्रेश हो गया था आपका SSC GD का फाइल मतलब साइट जो था। बार बार लड़के लोग तो पागल थे ना, लड़के लोग को जॉब चाहिए था भाई, तो उन लोग की गलतियां नहीं थी। बार बार रिचेक करने के लिए क्या करते थे, बार बार जाता था उन लोग साइट पे, तो साइट बहुत ज्यादा होल्डिंग करने की वजह से क्रेश हो गया था। हमको लगा ये भी रीजन होगा कि लड़के बार बार जा रहे हैं तो क्रेश हुआ होगा रिजल्ट नहीं आने का, या तो लेट नाइट आने का चांसेस है, तो ये भी रीजन नहीं रहा। लेकिन बाद में जब हमको पता चला कि 19 तारीख को रिजल्ट जारी किया गया था और 20 तारीख को रिजल्ट इसलिए नहीं क्योंकि 20 तारीख को जो है वो गुरु गोविंद सिंह जयंती था, ठीक है। पहले अब हम बात करें कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट मैं आपको बता दूं कि आज और कल ये दोनों में कंफर्म डेट आपको बता दे रहा हूं, या तो 21 को या तो 22 को, चांसेस पूरा रखिए यही दो डेट में आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज भी आने का चांस रहेगा या तो कल भी, ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं पहली बात। अब मैं बात करूंगा कि कट ऑफ हाई और लो जाने का रीज़न, देखिए मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट के पास एक पुख्ता चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ये भी जानती है कि जिन बच्चों को हम अगर साइड करेंगे और COVID-19 के कारण इसका एज पूरा द एंड हो चुका है तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट के माइंड में ये संकता है, बार बार बच्चे लोग बोलते हैं सर कट ऑफ कितना हाई जाएगा, कट ऑफ कितना हाई जाएगा। आज मैं आप लोगों को बता दूं कट ऑफ कम या कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाने का क्या रीज़न रहेगा। देखिए आप लोग को ये नहीं बता रहा हूँ कि कट ऑफ जाएगा ही हाई नहीं, जो भी है वही इसी में आपको मिल जाएगा सभी बच्चों को, लेकिन मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट के माइंड में ये चीज़ ज़रूर है कि यार मैं अगर कट ऑफ को थोड़ा भी बढ़ा देता हूँ तो इसमें कितने सारे बच्चे जो बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, ठीक है, और COVID-19 के कारण। अब इनके एज अगर ख़त्म हो जाएगा तो इनकी जिम्मेवारी कौन है, गवर्नमेंट है या कोई और है। COVID-19 के कारण बहुत सारे बच्चे का एज जिसके 7-8 महीना बचा हुआ था, कोई इसके बीच में कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं आया, अब इस टाइम में अगर उस बच्चे का अगर एज खत्म हो जाता है तो इनकी जिम्मेवारी कौन लेगी। गवर्नमेंट इस चीज़ को जानता है, गवर्नमेंट इतनी भी बुड़बक नहीं है, तो गवर्नमेंट कटअप जो रखेगा, निर्धारित कटअप रखेगा, ज्यादा कटअप जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और SSC GD का तो पुराना हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जो इसका कटअप रहा है 1 से 2 नंबर ज़्यादा कटअप गया ही नहीं है। बच्चे आप बार बार किसी चीज़ों किसी बातों के भावनाओं पे किसी के लोगों के भावनाओं पे आ जाते हो और माइंड में आने लगता है कि यार मेरा कटअप इतना नंबर आएगा, मैं कटअप से इतना ज़्यादा नंबर हूँ सर मैं क्या करूँ। बच्चे आप धैर्य रखा बना के रखिए, आप भी मेरिट में आएंगे, कन्फर्म आप भी मेरिट में आएंगे, टेंशन नहीं लेने का।
आपको मैं बता दूं कि कटअप के क्या रीजंस रहा, कटअप नहीं जाने का क्या रीजंस रहेगा। पहला तो मैं आपको बता दिया हूं कि गवर्नमेंट इस चीज का संयंक्ता जानती है कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे बच्चों का एज जो है द एंड में है, क्लियर है। दूसरी बात मैं बता देता हूं आपको कि कटअप नहीं जाने का, बच्चे 85,000 से लेकर 90,000 के बीच में ही गवर्नमेंट कैंडिडेट फिट है। अब यहां पे मतलब लगभग 60,000 वैकेंसीज है, बच्चा 25,000 से 30,000 बच्चे को छाट नहीं सकता है, वो नहीं भगा सकता है वो। इसमें से कितने बच्चे कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं कितने बच्चे का ज्वाइनिंग हो चुका है, चाहे ग्रुप डी हो या टेक्निकल हो। जो बच्चे ज्यादा मार्क्स लाए ना, जो बच्चे का ज्यादा मार्क्स आया ना, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेटल है ये। मैं मेरे गांव में ही बता दे रहा हूँ, मेरे एरिया में बता रहा हूँ, करीबन 10 ऐसे बच्चों का जिसका मार्क्स 80 से अबव था, ये ग्रुप डी में ज्वाइन किया, टेक्निकल में ज्वाइन किए हुए। मेरे गांव में 2-3 ऐसे बच्चे बोल रहे सर हम ज्वाइन नहीं करेंगे, कटअप हाई जाएगा तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि 80 नंबर इन लोगों का, रीजन CRPF चूज किया हुआ है। तो ऐसे गवर्नमेंट को देख के चलेगा ना, गवर्नमेंट इस चीज को देख के चलता है, ये मत सोचना कि यार सर इसका बहुत नंबर ज्यादा आ गया, बच्चा ये ज्यादा नंबर लाया, पढ़ने में तेज है वो, इसलिए लाया, और वो क्यों जाएगा CRPF में, क्यों जाएगा BSF में वो। कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को भी गवर्नमेंट देख के करेगी। और मैं आपको फाइनल कहता हूं, सेकेंड लिस्ट 100% आएगा। आप मैं बोल रहा हूं ये बात ध्यान रखिएगा, कितने ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और ये बच्चे को कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस चूज करने का था उस टाइम CRPF और BSF फर्स्ट में देखा सी किसे चूज कर लिया, कहीं ना कहीं अभी उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। बार बार मेरे पास मेल आ रहा है सर कोई उपाय है, कोई साधन है। मैं बता रहा हूँ मेरे घर के जस्ट बगल के 2-3 ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे सर हमको ज्वाइन ही नहीं करना, मेरिट देगा तो भी नहीं ज्वाइन करें, क्योंकि CRPF मेरा चूज किया हुआ है, उन लोग का 82 और 86 नंबर है, समझे ना। तो आप धैर्य बना के रखिए, जो ज्यादा मार्क्स लाए ना वो कहीं ना कहीं सेटल है, गवर्नमेंट सेकंड लिस्ट भी निकालेगी, और अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका हुआ ठीक है, नहीं तो सेकंड लिस्ट में आप कंफर्म घुस जाइएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 85-90,000 के बच्चे में ना 40,000 बच्चे ज्वाइन कर रखे ग्रुप डी या तो NTPC कहीं ना कहीं, ये सॉरी टेक्निकल पोस्ट। आप लोग को लगता है ना बहुत आसान बोलने में, बोलना इतना आसान नहीं है, कटअप क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देखिएगा फाइनल कटअप क्या जाने वाला है, कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फिर मेरे को कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। तो सारी डिटेल्स मैं दे चुका हूँ, रिजल्ट क्या नहीं, क्यों नहीं आया, गुरु गोविंद सिंह जयंती के कारण नहीं आया, कटअप कब कितना से कितना हाई जाएगा ये भी मैं बता दिया हूँ, क्या रीजन रहेगा जो कटअप नहीं जाएगा, और सभी बच्चों का मेरिट में नाम आने का चांसेस रहेंगे। अब मैं बता दूँ सेकंड लिस्ट भी आने का चांस में बता दिया, रीजन क्या था वो भी बता दिया हूँ सेकंड लिस्ट जाने का, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में अगर बच्चे का नहीं देता है, फर्स्ट लिस्ट में आपका दे दिया, सपोज करिए कि 1,000 बच्चों का नहीं दिया है, अगर सपोज करिए कि जिन बच्चों को बुलाया ये बच्चे ज्वाइनिंग नहीं किए, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं नहीं ज्वाइन करेगा जिसका मार्क्स बढ़िया, फिर इस का ट्राई करेगा, अब क्या करेगा कि ये है गधर जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं, वो 1,000 बच्चे का सेकंड लिस्ट जारी करेगा या नहीं करेगा, खाली तो नहीं छोड़ेगा ना। इसलिए मैं बात बोल रहा हूं कि प्लीज आप लोग धैर्य बना के रखिए, आपके कटअप में आपका भी नाम आएगा, और इस कटअप में सेकंड लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट दोनों निकालने वाले हैं। सारी चीजों पे बात कर दिया, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का है, प्लीज जाके फॉलो करिए, और मैं यहां पे लाइव आके बात करूंगा आप लोगों से। जय हिंद जय भारत।